सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं लोनी गोल चक्कर से लेके और चलेंगे मंडोला विहार तक और दिखाएंगे आपको कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं दोस्तों कि तेज़ी के साथ में इसमें पियर और पियर कैप बनाए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ में। इतनी तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि बीच में ये मंदा था, लेकिन अब इतनी तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है कि क्या ही बताएं आप सभी को। और ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हो अभी इन्होंने सेफ्टी बोर्ड लगा रखे हैं बीच में, क्योंकि अभी इसमें पाइल चल रहा है। पाइल यानी कि ज़मीन के अंदर अभी गड्ढे किए जा रहे हैं, फिर उसके अंदर पिलर डाले जाएंगे, फिर उसके बाद में फाउंडेशन बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में एक पिलर एलिवेटेड खड़ा किया जाएगा। और आपको बता दूं उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, फिर उसमें कंक्रीट भरा जाएगा, फिर उसमें पियर कैप का काम किया जाना है। तो देख सकते हैं अभी बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है। ये छोटा सा ही पार्ट है, जो पैच है वो बचा हुआ है, बाकी तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा के पिलर ही पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी इसमें फाउंडेशन भी बनाया जा रहा है और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। कहीं पिलर भरे जा रहे हैं यानी कि कंक्रीट भरा जा रहा है, कहीं इन पर पियर कैप का काम चल रहा है, तो वो सब कुछ आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के साथ में बने रहो एंड तक और आप लोगों को फिर दिखाएंगे कि कितना कुछ वर्क चल रहा है इस टाइम पर। तो देख सकते हैं ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है यहाँ पर, ये सारे में पाइल मशीन द्वारा नीचे ज़मीन के अंदर गड्ढे किए गए हैं और गड्ढे कर देने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं हर जगह फाउंडेशन का काम चल रहा है। देख सकते हैं ये पाइल मशीन खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं, तो इसमें पाइल करती हुई आई है। ये आपको बता दूँ बागपत साइड से, और बागपत साइड के तो भाई साहब आपको क्या ही बताएं, इतनी तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है इस टाइम पे कि आप देखोगे तो हैप हो जाओगे कि भाई साहब क्या वर्क चल रहा है। और आपको बता दूं कि NHAI द्वारा ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, जो है 210 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली से लेके और देहरादून तक बनाया जा रहा है ये। और आपको बता दूं कि जो इसकी लागत है वो है 13 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं दो दो पाइल मशीन यहाँ पर खड़ी हुई हैं और देख सकते हैं ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, फाउंडेशन नीचे का बना दिया जा चुका है। और जब फाउंडेशन बन जाता तभी ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, पूरी लाइन में आपको ये पिलर का स्ट्रक्चर ही देखने के लिए मिलेगा। पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में इसमें सारे में कंक्रीट भर दिया जाएगा, फिर इस पर पियर कैप का काम किया जाना है। दोस्तों आप लोग खुद ही देख सकते हो अपनी आँखों से, क्योंकि मैं कोई झूठ नहीं बोलता वीडियो के अंदर, कुछ भी जो रियल है वही मैं दिखाता हूँ आप सभी को, और आप लोग खुद ही देख लो अपनी आँखों से। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि वीडियोस कैसे लगते हैं हमारे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस इंफॉर्मेशनल मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है पैकेज टू, और पैकेज टू पर देख सकते हैं कि सारे पिलर बन के इनका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, पिलर का स्ट्रक्चर फाउंडेशन बना दिया जा चुका है। देख सकते हैं इसमें अभी रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, फिर ये पिलर बन जाएगा और बन जाने के बाद में फिर इस पर पियर कैप का काम चलेगा, पियर कैप बनाए जा रहे हैं। तो पियर कैप आप लोगों को किस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग हमें बता सकते हो नीचे कमेंट करके। हाँ, और ये हमारे दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ये
बागपत का जो आपको बता दूँ एलिवेटेड जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है वहाँ तक जाके ये एंड हो जाता है। तो देख सकते हैं ये करीब आपको बता दूँ कि ये होगा आपका 40-50 किलोमीटर का पार्ट होगा जिस पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। और आपको बता दूँ दोस्तों कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 12 लेन का होने वाला है। 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है 6 लेन का। उस पर ना कोई घुस सकता है ना बढ़ सकता है, जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ एंड होगा वहीं जाके निकल सकता है। और 6 लेन का लोकल ट्रैफिक के लिए लेन होंगे। तो देख सकते हैं ये एलिवेटेड पार्ट है, ये तो है जो देहरादून जाने वाले हैं, जो सहारनपुर जाने वाले हैं, मुजफ्फरनगर जाने वाले हैं, उनके लिए है ये 6 लेन का। ये एलिवेटेड पार्ट और 6 लेन का नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को सब कुछ देखने मिलेगा। NHAI द्वारा ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और हमारे नीतीश गडकरी साहब बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं। बात ही कुछ अलग है हमारे नीतीश गडकरी साहब की दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, सारे पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। और पहले इस पर ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, रोड पर देख सकते हैं ये भी ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है। पहले तो मैंने पिछली वीडियो आप लोग देखोगे तब देखना कि टूटी फाटी रोड थी, गड्ढे गुड्ढे थे बहुत ज़्यादा, और अब देखो रोड भी बना दिए इन्हें, ब्लैक टॉप कर दिया है। तो एकदम फर्राटे के साथ में जाएंगे, कहीं आपको कोई गड्ढा गुड्ढी नहीं मिलेगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और आगे आने वाला है मंडोला बिहार, और मंडोला बिहार में भी आप लोगों को बताएंगे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वहाँ पर, और कितना लंबा चौड़ा फ्लाईओवर है वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 12 लेन का बन रहा तो कितना लंबा चौड़ा होगा। सोच सकते हो आप कि 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, और 6 लेन का लोकल ट्रैफिक के लिए जो लेन है वो, तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा देख सकते हो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये पिलर भर दिए जा चुके हैं कंक्रीट द्वारा। अब इन पर पियर कैप का काम किया जाएगा ऊपर बस, और फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत आप लोगों के बीच में रियलिटी दिखाता रहता है। देख सकते हैं इस पर फाउंडेशन अभी बनाया जाएगा, कुछ पिलरों का फाउंडेशन बन गया है, कुछ पिलरों का रह गया है। जैसे कि इस पिलर का देखो फाउंडेशन बन गया है, पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा कर दिया है, अब इस पर रिंग लगाए जाने। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर।
दोस्तों ये है मंडोला विहार, देख सकते हैं मंडोला विहार परियोजना, और देख सकते हैं यहाँ पर कितना लंबा चौड़ा ये जो पार्ट है वो बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाईओवर है और ये मंडोला विहार के ये टावर से चमक रहे हैं, और देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड है जो फ्लाईओवर पर लगाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है मंडोला विहार पर। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये सेफ्टी बोर्ड है साइड के जो है, जो साइड में लगाए जाते हैं फ्लाईओवर के वो हैं, और देख सकते हैं ये आ रहा है रोड रोलर। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। अब आपको बता दूं कि 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड है और 6 लेन का लोकल ट्रैफिक के लिए है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा देख सकते हो यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी, आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। अब दिखाते हैं चल के आगे आप सभी को, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। तो आप सभी ने देखा अपनी आँखों से कि किस तरीके से इस पर पियर कैप बनाए जाते हैं, और सारे पिलर अभी ऐसा समझ लो रिसेंटली में कुछ बनाए जा रहे हैं, कुछ बनके कंप्लीट हो गए, उन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में। देख सकते हो ये मंडोला विहार निकलने के बाद में है गाइस, कोई गांव पड़ता है ये मंडोला विहार के बाद में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। शेयर करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों को पता चले, दूसरों को भी पता चले कि भाई कहाँ कहाँ एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, क्या क्या उस पर वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो देख सकते हैं ये भजनपुरा होते हुए, आपको बता दो ये खजूरी होते हुए भजनपुरा, और ये लोनी, और इधर ये निकलता है बागपत, बड़ौत, शामली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और ये देहरादून के लिए निकल जाएगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।